Hey guys, welcome you all to my YouTube channel Voyager Chitara, and today we're gonna be talking about Cyprus, its history, its monuments, its architecture, and obviously its tourist attractions. So before anything else, let us know some historical facts about Cyprus. तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि Cyprus is the third largest island in the Mediterranean Sea. Cyprus neighbors itself with Turkey, Syria, Lebanon, Egypt and Israel. Cyprus की capital है Nicosia, which is also the 42nd most expensive city in the world. What? OMG! साइप्रस में ऑफिशियली ग्रीक और टर्किश भाषा बोली जाती है. ऑल्सो बिफोर 1960 साइप्रस वॉज कॉलोनाइज एंड वॉज रूल्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इन 1960 उन्हें आज़ादी मिली और अब तो साइप्रस यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है. ऑल्सो साइप्रस एक डेमोक्रेसी है जिसकी आबादी लगभग 12 लाख है और GDP लगभग 25 बिलियन USD है. सो Euro is the official currency here because Cyprus is the official partner in the European Union. तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ. फ्रेंड्स, साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है. एज अ ट्रैवलर इट ऑफर्स यू अ लॉट ऑफ एज इन नेचर, बीचेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डिलीशियस फूड, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड अ प्लेस फॉर लग्जीरियस इवेंट्स. वैसे तो साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है, बट सुंदरता के मामले में ये देश काफ़ी देशों को पीछे पछाड़ता है. सिर्फ इसके बीचेस की वजह से ही लाखों लोग इसे हर साल विजिट करते हैं. ऐसा ही एक बीच है कोनोस बे, एंड यू लिटरली कांट अफोर्ड टू मिस इट, जो कि आया नापा रीजन में स्थित है और लोकल्स और फॉरनर्स दोनों ही यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं. इसके अलावा बे ऑफ एफ्रोडाइट बीच भी काफ़ी फेमस है, जिसके एफ्रोडाइट यानी प्रेम और सुंदरता की देवी का बर्थ प्लेस माना जाता है. यहाँ सनसेट और सनराइज देखने का नज़ारा ही अलग होता है. अदर देन दीज बीचेस लाइक मैकोनीस, कैरल बे, फिग ट्री बे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस है. और अगर आपको आर्ट, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर का बहुत शौक है तो साइप्रस में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स आपको मिल जाएंगी, लाइक टॉम्स ऑफ द किंग्स एंड आर्कोलॉजिकल पार्क ऑफ कार्टोपेफोस. फेमस साइट ऑफ टॉम्स ऑफ द किंग्स इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज. यहाँ पर आपको रोमन एम्पायर के ज़माने के अवशेष मिलेंगे जो आज भी अच्छी खासी कंडीशन में हैं. यहाँ पर किंग्स और हाई लेवल एरिस्टोक्रेट्स की कब्रें आपको मिल जाएंगी. एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है जो कि हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं उस ज़माने के, उनकी कब्रें और साथ ही साथ यहाँ के राजाओं की, किंग्स की कब्रें यहाँ पर मिलेंगी. आर्कियोलॉजिकल पार्क ऑफ द कार्टोपेफोस, विच इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस साइट्स इन साइप्रस. यहाँ आपको ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन टाइम्स के बहुत से प्रमाण मिलेंगे. दोस्तों साइप्रस लग्जीरियस होटल्स, मैरिजेस और दूसरे इवेंट का गढ़ है. यहाँ लाखों लोग दूसरे देशों से आकर शादियाँ, पार्टीज और तरह तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. और इसका एक बेहतरीन प्रमाण है कि 1911 में इंग्लैंड की रॉयल फैमिली की मैरिज भी यहीं हुई थी. ये शायद रॉयल फैमिली की पहली ऐसी मैरिज थी जो इंग्लैंड से बाहर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ साइप्रस की सुंदरता की वजह से हो पाया था. और उस समय साइप्रस को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया था. एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ दिस कंट्री. द कंट्री ऑफ साइप्रस इज ऑल्सो नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ गॉड्स एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द एंशंट टाइम्स. दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आज का जो करंट साइप्रस है वो दो भागों में डिवाइडेड है, जिसका एक भाग तुर्की ने अपने कब्जे में लिया है और इसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस भी कहते हैं, और दूसरा भाग है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जिसे ग्रीक साइप्रस भी कहते हैं. दुनिया की सबसे पुरानी वाइन कोमेंडेरिया भी साइप्रस से ही आती है, जो कि लगभग 5000 साल पहले बनी थी. One of the most exciting fact is that Cyprus is a multilingual, multicultural and multi-religious country. यहाँ टर्किश, ग्रीक, इंग्लिश सभी भाषाएं बोली जाती हैं और लगभग सभी कंट्रीज के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे. While 80% of the population follows Greek Orthodox faith, फिर भी आपको किसी भी तरह के क्राइम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगी. साइप्रस अपनी सनशाइन के लिए जाना जाता है. यहाँ साल में 300 दिन धूप पड़ती है और लगभग 40 से 50 दिन ही बारिश पड़ती है.
Seriously friends, no doubt Cyprus is one of the fine and attractive tourist destination. And if you wanna visit this beautiful country, then don't forget to enjoy the most popular folk dance here in the Cyprus known as Syrtos. And if you like this video, please hit that subscribe button and the bell icon ताकि आपको हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Bye bye, hats off.